हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गहलोत ने शुरू किया प्रचार। जोधपुर पूर्व मुख्यमंत्री और सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अशोक गहलोत ने मंगलवार सुबह अपना चुनावी प्रचार शुरू कर दिया। उन्होंने सुबह अपने निर्वाचन क्षेत्र सरदारपुरा के वार्ड संख्या 42 में पाबूपुरा में जाकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने और समर्थन के लिए आमजन से मुलाकात की। इसी दौरान उन्होंने होटल बच्चन निवास वरिष्ठ कांग्रेसी रघुवीर सेन के घर पर जाकर उस क्षेत्र के मौजूद लोगों से मुलाकात की। वार्ड नंबर 49 के मदरसा रोशन इस्लामिया उदय मंदिर आसन, वार्ड 44 के कृष्ण मंदिर पावटा सी रोड, वार्ड 50 में सिंधी भुट्टो का बास, नागौरी गेट के अंदर, वार्ड 51 डॉक्टर विश्वनाथ मेहरा के मकान के पास और राम मोहल्ला के साथ शहर क्षेत्र के मतदाताओं से भी मुलाकात कर कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट और समर्थन मांगा। प्रचार के साथ ही मारवाड़ में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पार्टी के लिए परेशानी का सबब बने, बागी प्रत्याशियों को साधने में जुट गए हैं। प्रदेश में पार्टी का प्रचार शुरू करने से पूर्व गहलोत जोधपुर में डटे हुए हैं, साथ ही वे मारवाड़ में कांग्रेस प्रत्याशियों से मुलाकात कर उन्हें चुनाव प्रचार की रणनीति समझा रहे हैं। शहर के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क कर पार्टी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद तय कार्यक्रम के अनुसार गहलोत को चुनाव प्रचार करने निकल जाना था, लेकिन वे यहीं ठहर बागी प्रत्याशियों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। शहर के एक होटल में गहलोत ने जोधपुर जिले से पार्टी के सभी प्रत्याशियों की चुनावी रणनीति पर गहन मंत्रणा की। गहलोत ने कुछ बागी प्रत्याशियों से खुद बातचीत की। गहलोत ने बताया कि पार्टी ने अपने टिकट वितरित कर दिए, टिकट नहीं मिलने के कारण कुछ लोगों में नाराजगी है, ऐसे लोगों को समझाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी कह चुके हैं कि टिकट से वंचित रहे लोगों को पार्टी में अहम भूमिका दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि जोधपुर जिले में ओसिया, फालोदी, लूनी और बिलाड़ा, बाड़मेर में सिवाना, पाली शहर विधानसभा सहित कुछ स्थान पर बागियों ने ताल ठोक रखी है। आप लोग यहाँ खड़े तो पीछे वाले तो दुखी हो जाएंगे। प्लीज आज खाली राम राम करना आया हूँ खाली आपसे, ज्यादा हो गया उससे। इसलिए आपने हमेशा आशीर्वाद दिया, सहयोग दिया, समर्थन दिया। आपसे मेरी अपील है कि आपके आशीर्वाद से मैं दिल्ली से पहुँचा हूँ और दिल्ली से मैं मुख्यमंत्री के रूप में जयपुर पहुँचा हूँ। सब आपका फल है, इसलिए अभी चुनाव महत्वपूर्ण है। आपको अपील ये कि वार्ड के अलावा भी वार्ड में भी एक एक वोट जाना चाहिए वोट देने के लिए। वोट तो अपना है, घर बैठे हुए काम का नहीं है। वोट तभी काम का तब जाके बटन काम नहीं रुका उनका, क्या मतलब फर्ज बनता हम जीत गए तुम हार गई हो तो हम आपके काम करेंगे। उन्होंने ये काम नहीं किया, इसलिए बदला उन्होंने खूब लिया हमसे। हमें सबको मिल कर के चुनाव जीतना है, चुनाव जीत के हमें उनके बदले का जवाब देना है, ये दिमाग में रखो। ये बात खत्म, अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपका आशीर्वाद, धन्यवाद, जय हिंद। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।